हेलो फ्रेंड्स वेलकम यू लर्निंग इन लर्निंग एंड टेक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल टुडे वी विल कंटिन्यू यूनिट सिक्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मोमेंट ऑफ एनर्सिया इसके फर्स्ट चैप्टर सिक्स पॉइंट वन सेंटर ऑफ सेंट्रॉयड ऑफ द प्लेन और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी वी विल नो आर दैट तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है द सेंटर ऑफ द पॉइंट थ्रू विच द होल वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स आर नॉन ए सेंटर ऑफ ग्रेविटी मीन्स इफ़ वी आर वी आर फर्स्ट वी आर एज्यूमिंग होल वेट ऑफ बॉडी इज कंसनट्रेटेड एट ए पॉइंट दैट पॉइंट इज पॉइंट ऑफ बैलेंस जैसे इस इस हम लोग इसमें देखते हैं कि इस पॉइंट के अबाउट होल वेट को हम लोग बैलेंस कर सकते हैं दैट पॉइंट इज नॉन एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक और चीज़ जानना जरूरी है सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी बॉडी के लिए सिर्फ सिंगल पॉइंट होता है एक ही होता है मीन्स अगर यहाँ पे ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर इस बॉडी के लिए ये पॉइंट अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है तो दूसरा कहीं पे भी कोई पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं होगा क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं कि सारे वेट हम लोग अचीव करते हैं कि एक पॉइंट पर कंसनट्रेटेड है और दैट पॉइंट पॉइंट ऑफ बैलेंस है मीन्स वो पॉइंट बैलेंसिंग पॉइंट है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए सिर्फ एक ही होता है नेक्स्ट सेंट्रॉयड देखिए अभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखे थे सेंट्रॉयड सेंट्रॉयड एक सेंट्रॉयड क्या होता है दैट इज वनली प्लेन फिगर का होता है उसका कोई मास नहीं होता अगर किसी चीज़ जैसे कि यहाँ पे एक से एक ट्रंगल बना रहे हैं इस तरह से तो इसमें क्या एक है एक लाइन से इसका सिर्फ एरिया है वनली एरिया हो देर इज नो मास हो मास नहीं हो तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं सेंट्रॉयड होता है देखिए सेंट्रॉयड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता है अगर मास है अगर मास है एक ऑब्जेक्ट में तो हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं अगर एरिया ही सिर्फ हो मास नहीं हो तो हम लोग सेंट्रॉयड निकालते हैं आई होप अंडरस्टैंड आई होप अंडरस्टूड वट इज डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रॉइड सो द प्लेन फिगर लाइक ट्राइंगल ट्राइंगल सर्कल स्क्वायर इट इज सी हैव ऑनली एरिया बट नो मास देंटर ऑफ सच फिगर इज नॉन एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐसे फिगर के सेंटर को हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं तो मान लीजिए ट्राइंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है तो क्या करेंगे मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिशन उसके वर्टेक्स उसको मिला देते हैं तो जो एक पॉइंट हमको जो मिला ये पॉइंट दैट इज द सेंट्रोइड पॉइंट कुछ डिफरेंस देख लेते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉइड का सेंट्रॉइड क्या इट इज़ डिफाइंड एज ए पॉइंट अबाउट विच द इंटायर लाइन डिफाइंड एज द पॉइंट अबाउट विच सेंट्रॉयड का अगर देखते हैं इंटायर लाइन एरिया और वॉल्यूम इज एच्यूम टू बी कंसनट्रेटेड मीन्स एरिया फिनमिन इसमें कि सारे एरिया एक पॉइंट पर कंसनट्रेटेड देखें थोड़ा सा पैक जाते हैं हम लोग सेंट्रॉयड में क्या मानेंगे कि सारा एरिया ये इसका जितना भी एरिया है होल एरिया इज कंसनट्रेटेड एट दिस पॉइंट बट सेंटर ऑफ ग्रेविटी में हम लोग क्या देखेंगे होल मास होल मास इज कंसनट्रेटेड एट वन पॉइंट इसमें क्या है सी में क्या है होल मास होल मास कंसनट्रेटेड एट ए पॉइंट बट सेंट्रॉयड में क्या है होल एरिया कंसनट्रेटेड होल एरिया होल एरिया कंसंट्रेटेड एट वन पॉइंट दैट इज द डिफरेंस सो इट इज रिलेटेड सेंट्रॉयड क्या है इट इज रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेंथ एरिया एंड वॉल्यूम दैट इज डि लेंथ एरिया एंड वॉल्यूम अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहते हैं दिस इज रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या मास रहता है और देखते हैं क्या है इट इज़ डिफाइन एड पॉइंट अबाउट विच इंटायर वेट इंटायर वेट ऑफ द बॉडी इज एच्यूम टू बी कंसनट्रेटेड इसमें क्या है इंटायर एरिया कंसनट्रेटेड और इसमें इंटायर वेट कंसनट्रेटेड दैट इज डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड अब हम लोग देखते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रॉड तो रॉड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके मिडिल पॉइंट पे होता है अगर यूनिफॉर्म रॉड है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके बीच में होगा रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा इसके डायगोनल को अगर मिला देते हैं तो उसके मिडिल पॉइंट जो यहाँ पे मिलता है दैट इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके अलावा लेंथ का लेंथ है उसका हाफ कर देंगे और इधर वर्थ है उसका हाफ कर देंगे बी बाई टू तो हमको सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिल जाएगा ट्राइंगल का थोड़ा सा ध्यान रखना है ट्राइंगल का क्या होता है अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना तो इसका हाइट अगर एच है अगर ये हाइट एच है एच तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा बेस से एच बाई थ्री पे होगा ये बेस से एच बाई थ्री और ये पार्ट क्या होगा ये पार्ट जो यहाँ से यहाँ है ये ये होता है टू एच बाई थ्री अगर ये एच बाई थ्री तो ये टू एच बाई थ्री कैसे तो देखिए एच एच बाई थ्री प्लस टू एच बाई थ्री मिल करके एच होना चाहिए देखिए है ना एल सी एम लीजिए थ्री इधर एच प्लस टू टू एच तो थ्री एच हो गया ये हो गया थ्री एच बाई थ्री ये कैंसल होकर के एच बच गया न मीन्स जस्ट रिमेंबर दैट वन कि आ, ये पार्ट जो होता है ये वाला पार्ट ये एच बाई थ्री होगा और यहाँ से यहाँ ये वाला पार्ट ये टू एच बाय थ्री होगा सेंटर ऑफ सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सेमी सर्कल इसका होता है क्या फोर आर बाय थ्री पाए यहाँ पे कुछ होता है अगर सेमी सर्कल है तो इसका सी जी यहाँ पे कुछ होता है दैट इज फोर आर बाय थ्री पाए आर क्या है यहाँ से यहाँ तक आर है और ये क्या है फोर आर बाय थ्री पाए ये डिस्टेंस दिस वन तो सी जी फॉर द सेमी सर्कल इज द फोर आर बाय थ्री पाए सी जी फॉर द ट्रेपेजियम इसका होता है एच बाय थ्री एच बाय थ्री बी प्लस टू ए बाय बी प्लस ए और बी प्लस टू ए बाय बी प्लस ए ये होता है एच वाई थ्री बी प्लस टू ए बाय बी प्लस ए ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है दैट इज दिस पॉइंट वेयर बी और ए देखते हैं ये इसका पैरेलल, दो पैरेलल है ट्रेपेजे में क्या होते हैं दो पैरेलल हैं, एक बिगर वाला को बी लिया है और स्मॉलर वाला को ए लिया है किसी को भी ले सकते हैं बी प्लस ए बाई बी प्लस टू ए बाय बी प्लस ए ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है और सेंड्रॉयड अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सिस ऑफ रेफरेंस क्या होता है ठीक है आपको अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और कुछ अगर मॉडिफिकेशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें